वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर वन में वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू में ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट कोशन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं जिनको प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम में न सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं So, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने इन चैप्टर चैप्टर इस चेप्ट में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट किए हैं जिनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ कैथोड कैथोड आल्सो राइट इट्स ओरिजिन सो की नेचर क्या होती है ये आपने बताना है और कैसे ओरिजिनेट होती है शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट वन इज गिव फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस वैसे ये फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग में आएंगी Uh, अगर आप शॉर्ट की बात करें तो टू टू थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट में पूछ सकते हैं सो so आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट वन इज वॉट आर कैनाल रेस कैनाल रेस क्या होती है बेसिकली पॉजिटिव रेस ही है सो so ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कैनाल रेस को कैनाल रेस क्यों कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है कि कैनाल रेज क्या होती है नेक्स्ट वन इज गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज अब कैनाल रेज ही अब ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन या गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज आपको पता है पॉजिटिव रेज प्रोटॉन होती हैं और इनको कैनाल रेज भी कहते हैं ओके नेक्स्ट वन इज राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स

और डिस्कवर किए न्यूट्रॉन ये भी आप शॉर्ट याद कर लीजिएगा ये भी आ सकता है नेक्स्ट वन इज वर्ट इज प्लम थ्योरी वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है तो इसको भी आपने लाजमी तौर पर कर लेना है नेक्स्ट वन इज वर्ट इज बाय क्वांटम एंड क्वांटा सो ये बोहर का जो लॉन्ग है उसके अगले पार्ट पेज पर ही ये दिया हुआ है एक बॉक्स बना हुआ है पिंक बॉक्स उसके अंदर क्वांटम और क्वांटा की डेफिनेशन दी हुई है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने जरूर करना है

और डिफेक्ट्स वाला जो ये शॉर्ट है कई बार बोर्ड में आ चुका है और अभी भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये शॉर्ट में आ सकता है व्हाट uh, आर uh, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है बट uh, इतना नहीं है लेकिन आपने इसको कर लेना है नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन अगेन दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट शॉर्ट ये कई बार बोर्ड में आया है और क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यशन मैक्सिमम पूछी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं आमतौर तो पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यशन लिख लेते हैं जिसमें लास्ट में टू पी फाइव आई थिंक थ्री पी जी जी थ्री पी फाइव लिखते हैं बट क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से थ्री पी फाइव नहीं होगा थ्री पी सिक्स होगा तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है वैसे आप डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल याद करेंगे तो क्लोराइड की ही याद कर लें

अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन इमिट करने वाले ये दो रेडियो इनका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में नेक्स्ट हाउ क्वेश्चन है goitra को को डिटेक्ट कर सकते हैं आयोडीन 131 यूज करके। यूरेनियम टू थर्टी 235 में एक न्यूट्रॉन तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है न्यूट्रॉन के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है और ये जो दी हुई एग्जाम और अभी आ सकती है नेक्स्ट वन इज वट इज बाय कार्बन डेटिंग और ये भी इन, इस चैप्टर में से तीसरा एक ऐसा शॉर्ट है कि जिसको मैं जरूर अपने बनाऊंगा अगर मैं इस चैप्टर में से राइट टू प्रॉपर्टीज कैनल रेस ये पहले मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि ये आ सकता है और लास्ट में एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये बोर्ड में कई बार आया है और बहुत बच्चे इसको नहीं करते ये भी बोहर के जो मॉडल है उसी में से एक पॉस्टुलेट है डज इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वेन इट जम्प फ्राम हायर टू लोअर ऑर्बिट एंड एनर्जी वन इट जम्प फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट सो ये वो पूरा पॉइंट आपने पॉस्टुलेट भले याद रख लेना है और जो एनर्जी वाली इक्वेशन है डेल्टा e तो ये भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज आए तो आपने डिस्कवरी को जरूर डिस्कस करना है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप पांच प्रॉपर्टीज लिख के एक साइड पे हो जाए जिससे एक नंबर आपका कट सकता है सो so लॉन्ग में आप याद रखा करें कि जितना ज्यादा लिख सके अच्छी बात है Uh, मकसद पेजेस भरना नहीं होता मकसद ये है कि टीचर का जो माइंड सेट होता है वो एक बच्चे का पेपर चेक करता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कनाल रेज की डायग्राम तक बनाई हुई है और उसके बाद आपका पेपर चेक करे जिसमें पांच प्रॉपर्टीज लिखी हुई है तो वो कहेगा ये तो कम लिखा हुआ है और नंबर कम देगा आपको नेक्स्ट वन इज राइट ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ऑफ रदर फॉर द मॉडल सो अब इसमें देखें क्वेश्चन तो है ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट का बाद सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेते हैं <coughs> मैडम ने ऑब्जर्वेशन रिजल्ट और थोड़ा सा यह बताना है कि इसमें क्या किया था मतलब पूरा लॉन्ग ही लिखना है इसमें <coughs> अगर चार नंबर का है तो जस्ट ऑब्जर्वेशन रिजल्ट लिख लीजिएगा पांच नंबर का हो तो फिर पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन इन डिटेल मॉडल बोहर का जो मॉडल है ये भी uh, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर मेरे ख्याल से ये आया हुआ है शायद uh, वैसे भी think, बच्चे समझते हैं ही है ये। बस इसको छोड़ दे कोई बात नहीं ये इम्पेक्ट आपका खराब कर सकता है तो एक दो पॉइंट अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपका लॉन्ग पूरा नहीं होता

आ, हमारे पास ये चैप्टर है ये थोड़ा सा छोटा है लेंथ वाइज तो इसमें से हमने कम क्वेश्चन ही आ, निकाले हैं so, उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा आ, लेकिन ये है कि आप ये ना करें कि इनमें से भी आप कहेंगे कुछ चॉइस पे कर लेते हैं इन चार में से भी दो कर लेते हैं या इस ट्वेंटी शॉर्ट में से भी आप टेन या फिफ्टीन कर लेते हैं तो जस्ट हैं ट्वेंटी तो पूरा करने में कोई हर्च नहीं है और अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं आराम से कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है अभी तो टाइम है खैर आपके पास सो so, ये थी चैप्टर नंबर टू तो की वीडियो होप सो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई कम, कमेंट आ, कर सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा और अगर आपको इसमें से किसी टॉपिक पर भी आ, कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू की एक पूरी प्लेलिस्ट है उसमें आ, हर एक टॉपिक पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है सो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहां जाके अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी है तो ये भी कमेंट करके जरूर आपने बताना है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है और इलम जो है वो आपको पता है फैलने से बढ़ता है बांटने से बढ़ता है कम नहीं होता तो इस वीडियो को शेयर लाजमी करें अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज